छेका का टेस्ट कैसा बताइए। हेलो फ्रेंड्स, सुधीर ड्राइवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिर फ्रेंड्स, मैं हूँ भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में। और फ्रेंड्स, क्या है, यहाँ पर मैं गोदरेज कंपनी में मटेरियल लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आए हुए मेरे को आज 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, क्या है, गाड़ी अनलोड नहीं हो रही है। गोदरेज वाले गाड़ी अनलोड नहीं कर रहा, उनके पास मैं जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बोला भैया आपके पहले और भी गाड़ी खड़ी है, पहले उनको अनलोड करेंगे फिर आपको अनलोड करेंगे। ऑलरेडी 3 दिन हो चुकी है। और फ्रेंड्स, क्या है, होटल में खा खा के हमें भी परेशान हो गए, पेट भी कुछ गड़बड़ हो गई है। और फ्रेंड्स, क्या है, वहाँ पर मतलब खाना भी उतनी इंटरेस्ट नहीं मिलती और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा विचार हुआ है कि कुछ खाना बना के खाया जाए। तो फ्रेंड्स, क्या ये बिक्की भैया जी है, इनको भी मतलब बहुत अफसोस हुआ कि काफी पैसे लग रहे होटल में और प्लस में क्या है मतलब सफलता भी नहीं मिल रही खाने को और पेट भी गड़बड़ हो जा रही है। तो बिक्की भैया का मन हुआ कि चलिए बाजार चल के कुछ मार्केट से सामान लिया जाए। तो फ्रेंड्स, क्या है, मैं ऑलरेडी बर्तन में खरीद लिया था, थोड़ा बहुत खरीद के रखा था, थोड़ा बहुत और लाने की है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे इधर चंदकोना मार्केट है, वहां से मतलब मार्केट से सामान लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम नए नए रंग बिरंग के चीज बना के खाएंगे, जैसे आलू चप हो गया, बैगनी हो गया, मतलब खीर पूरी, मतलब जो इच्छा हो वो बना के खाएंगे, अपने मन पसंद जो हो वही बना के खाएंगे और आप लोग के बीच लेके आएंगे कि हम लोग क्या बना रहे क्या खा रहे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी हम निकलेंगे इधर से मार्केट के लिए। ओके, वीडियो में बने रहिए, आप लोग जा रहे हैं मार्केट हम लोग। जा रहे हैं हम लोग फाइनली मार्केट, ये गोदरेज कंपनी जहाँ पे हम लोग आ रखे फिलहाल अभी। तो जा रहे हैं हम लोग फाइनली मार्केट, ये गोदरेज कंपनी जहाँ पे हम लोग आ रखे फिलहाल अभी। तो फाइनली गेट पे आ गए हैं और हाईवे पे। तो ये रोड जाती है धीरे धीरे चांदका की तरफ और ये इधर जाती है कांटावाड़ा की तरफ। तो अपने को कांटावाड़ा मार्केट जाना है यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग। तो गाड़ी का इंतजार करते हैं हम लोग, देखते कोई गाड़ी आ जाए तो मिलेंगे यहाँ से। तो फाइनली किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे, कोई आए तो किसी भी ऐसे लिफ्ट ले लेंगे। ये गार्ड साहब कंपनी के जा रहे, कहीं जाए तो जाए, चलिए बात करते हैं इनसे।
पहले यहाँ पे एक चम्मच मिल रहा था, बट एक मतलब सब्जी बनाने वाला जो आता है वो इंडिया के पास नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि बाहर मतलब मार्केट में एक और दुकान है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। फाइनली हम लोग ले लिए, दुकान वाले भैया बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगे, कम सामान में सामान दे दिए, रेट भी अच्छा लगाया है काफी, उनको ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच गया और सब्जी दुकान में, और यहाँ पर देख रहा बहुत सारे सब्जी, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या सब्जी लो, फिर भी हम बिक्की भैया जी विचार करेंगे कौन सा सब्जी लेना है, तो यहाँ पर सब्जी और लेंगे, यहाँ पर पहले सबसे पहले तो मिर्ची लेंगे, हरी मिर्ची, उसके बाद फिर यहाँ पर फूल गोभी लेंगे, फूल गोभी के बाद फिर फ्रेंड्स क्या है तो उसके बाद फिर आलू लेंगे, फिर टमाटर लेंगे, फिर फ्रेंड्स उसके बाद और विचार करेंगे कि आगे क्या लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो सुधीर भैया ये प्याज चुन रहे हैं, देखिए बाग नजर रोड पे रास्ते में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मतलब प्याज लेके निकले मार्केट से, तो कुछ भूख सा लग रहा था, तो मैं सोचा कुछ नाश्ता किया जाए, तो बिक्की भैया जी बोले कि सामने देख रहे कि झंडा सा है, मतलब लूना में एक झंडा लगा के मस्त सामान बेच रहा था, तो हम बोला चलो चल के देखा जाए क्या बेच रहे हैं। तो वहीं पर फ्रेंड्स मैं जा कर के देखा, तो देख रहा हूँ कि दही बड़ा बेच रहे थे, तो फ्रेंड्स मैंने उनसे पूछा कि भैया इसका अमाउंट कैसे लेते हैं, तो उन्होंने बोले 40 रुपये प्लेट लेते हैं, तो हम बोला ठीक है एक काम करिए 2 प्लेट लगा दीजिए। फिर फ्रेंड्स वहाँ पर हम लोग मतलब उसे 2 प्लेट लगवाए, तो देख रहे हैं कि बहुत सारा एक मतलब बहुत बड़ा एक तसला रखा हुआ है, उस तसले के अंदर मतलब वो पकौड़ा रखा हुआ है, उसको उस पकौड़े को क्या किया मतलब पानी गार के निकाला, फिर प्लेट में डाला, प्लेट में डालने के बाद फिर फ्रेंड्स क्या है ना वो दही भी डाला, सब्जी भी डाला और मेरे को खाने के दिया, मुझे बहुत खुश टेस्टी लगा, खा करके मुझे काफ़ी खुशी मिला, और फ्रेंड्स बिक्की भैया जी भी खाए उनको भी काफ़ी खुशी मिला। फिर फ्रेंड्स वहाँ से हम लोग खा करके सोचा अब निकला जाए, काफ़ी बहुत देर हो गया, फिर वहाँ से अब निकल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हेलो राशन ले लेते ना, तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से क्या किया ना नाश्ता करके आगे बढ़े, तो फ्रेंड्स मैं सोचा कि चलो अब राशन के सामान लिया जाए, काफ़ी लेट हो गया, तो फिर मैं राशन के दुकान में पहुँचे, तो उनसे भैया से बात की, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी रेट लगाए, तो बोला चलो यहाँ पे भी सामान लिया जाए। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले सोचा ना कि यहाँ पर मतलब मसाला पैक करवा लिया जाए, क्योंकि मसाला भूल जाते हैं, इसलिए पहले मैंने मसाला उनको बोले कि हाँ सेठ जी मेरे को आप मतलब धनिया दे दीजिए, गरम मसाला दे दीजिए, मिर्ची दे दीजिए और जीरा दे दीजिए और नमक का पैक कर दीजिए, तो इन्होंने सब मतलब सामान देने लगे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये सामान ले लिए, और लेने के बाद फिर चावल भी ले लिए 3 kg, चावल लेने के बाद फिर फ्रेंड्स क्या है फिर आगे बढ़े। ओके फ्रेंड्स, क्या कर रहा हूँ तो कोई तो गाड़ी इस रोड पे चलता नहीं है, तो फ्रेंड्स एक पिकअप वाले हैं, वो पिकअप वाले भैया मुझे बैठा लिए, और वो भैया क्या है ना वो कहीं जयमाला करने जा रहे थे, तो उन्हीं का सामान लेके जा रहे थे। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी मार्केट से पूरा सामान लेके आ गया हूँ, टोटल मेरा बिल बना है 586 रुपये का, खाली इसमें ये मतलब राशन है, आलू है, चावल है और ये सब सामान है, और फिर मार्केट गए थे चम्मच का अलग बिल लिया है, और प्लस में ये बिस्किट भी लिए है। फ्रेंड्स बंदर को बंदर पे रोड पे बहुत सारा मिलता था, वो बंदर को खिलाने के लिए बिस्किट ले लिए हैं, और भी बिस्किट लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या अभी थोड़ा पैसा कम होने की वजह से इतना लिए, और सारा लेंगे बाद में चल के। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये सब सामान लिए, माचिस बॉक्स तेल वगैरह सब ले लिए है, टोटल आज मेरा आज का मार्केटिंग रहा 900 रुपये का, और फिर आगे नेक्स्ट टाइम में और लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पैसा कम होने की वजह से कम ले लिया। ओके फ्रेंड्स,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।